नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और इस वक्त हम और हमारी टीम पहुंचे हैं हसनपुरा प्रखंड के रजनपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 2। ये सेमरी गांव है और मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है। बहुत ऐसे बड़े बड़े संस्थाएं हैं जो रिजल्ट दिया है इस साल, और मैं आपको बता दूँ कि बिहार बोर्ड में 80% छात्र छात्राओं ने रिजल्ट लाया है, जो कि बिहार शिक्षा के लिए बहुत अहम बात है। लेकिन इसी संदर्भ में हम पहुँचे हैं सेमरी गाँव में। यहाँ पर एक स्टार क्लासेस कोचिंग सेंटर है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहां पे स्टार क्लासेस कोचिंग सेंटर के बच्चों ने टॉप लाकर और बहुत अच्छा मार्क्स लाकर इस संस्था का नाम रोशन किया है। मैं आपको बता दूं कि एक मैसेज दिया है यहां पर सेमरी गांव से कि कोचिंग बड़ा या छोटा नहीं होता, शिक्षा सबसे बड़ी चीज होती है, और यहां के डायरेक्टरों ने यह मैसेज दिया है। हम मिलकर बात करेंगे कि ये लोग इस तरह के संभव कैसे कर पाए इतने से छोटे से संस्था में, और ये जो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, ये बहुत बड़ी बात है सेमरी गांव के लिए और आसपास के बच्चों के लिए। आइए मिलकर बातचीत करते हैं। 417 नंबर आया है आपका, और यहाँ पे जो ये संस्था है यहाँ से आप कोचिंग की हैं, इस खुशी के मौके पर क्या कुछ कहेंगे, कैसा रहा आपका मैट्रिक का सफ़र? सबसे पहले हम आपको थैंक यू कहेंगे कि आप यहाँ पे हमारे लिए आए, हमारे संस्था के लिए आए, और बहुत अच्छा से तैयारी किए थे। जितना नंबर चाहिए था उतना नहीं आ पाया है, लेकिन तब भी अच्छा आया है। लॉकडाउन के कौन से सब्जेक्ट में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, कौन सा सब्जेक्ट इजी रहा आपके लिए? सोशल साइंस सब्जेक्ट है मेरे लिए, थोड़ा हार्ड था, बोरिंग लगता था थोड़ा, लेकिन मैथ और साइंस था उसमें थोड़ा अच्छा लगता था। मैथ और साइंस आपका फेवरेट रहा है, क्या मार्क्स है मैथ और साइंस में आपका? मैथ में 92 है और साइंस में 76 है। पढ़ाई के बात करें तो बहुत से लड़कियां लड़कों से अव्वल आई हैं, मतलब इस बार लड़के भी कम नहीं हैं लड़कियां से, तो इस मैटर पे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मेहनत होती है? लड़कियां घर पे रहती हैं तो उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है, और लड़का सब घूमते रहते हैं लोग, उसके बावजूद घर से मोबाइल मिल जाता है, इसके बावजूद भी वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, और लड़कियां घर में रहकर अम्मी के मोबाइल से देख देख के पढ़ लेती हैं। क्या एम्बिशन है आपका लाइफ में? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना, एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है मैट्रिक के बाद? एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले 11-12 को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और घर से ज़्यादा पैसा ना लगे इसके लिए नीट की तैयारी करनी पड़ती है, और उसके बाद अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। क्या बनना चाहेंगे, सर्जन या फिजिशियन? सर्जन बनना चाहेंगे। सर्जन बनना चाहती है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए और आपके पेरेंट्स के लिए और आपके संस्था के लिए। थैंक यू। सबसे पहले आपको बधाई हो कि आप इतने मतलब कंजेस्टेड एरिया है थोड़ा सा, मतलब मेरे देखने से, मेरे नज़रिए से, लेकिन बहुत अच्छा आपने काम किया यहाँ पर स्टडी शुरू करके बच्चों के लिए, जो आसपास के बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए। सबसे पहले बधाई हो आपको, किस तरह से आप ये सोचे? सबसे पहले तो आपका टीम की मैं स्वागत करता हूँ, यहाँ पर जितने हमारे अतिथि गेस्ट लोग हैं सबको मैं स्वागत करता हूँ कि यहाँ पर उतना दूर से चल कर इस छोटा सा इंस्टीट्यूट में आप लोग आए। सबसे पहले आप लोग धन्यवाद करता हूँ। किस तरह की स्ट्रेटजी होती है आपके, डिसिप्लिन कैसा रहता है, क्या मतलब ज़्यादा करना चाहते हैं स्टडी के लिए? देखिए, सबसे पहले कि जो भी हमारे बच्चा पढ़ते हैं लोग बहुत मेहनत करते हैं लोग, रात दिन एक करके जो भी सवाल फंसता है वह एक भाई के समान या एक टीचर के समान आकर हमसे पूछते हैं, सलाह लेते हैं, उस मुताबिक मैं मेहनत बच्चे को कराता हूँ। और जहाँ तक बात है कि मेरे बच्चे जो भी होते हैं बहुत अच्छा कर पाते हैं, हर साल अच्छा रिजल्ट देते हैं। कभार ये होता है कि आसपास के एरिया में कभी वित्तीय संकट भी आती है बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, उनके लिए क्या मतलब बेनिफिट है आपके कोचिंग में? विपद तो हर इंसान का आता है, जब विपद आता है उसके भी टाल कर हम बच्चों को सोचते हैं कि किसी तरह बच्चे को पढ़ाया जाए, ताकि ये गाँव का नाम, प्रखंड का नाम रोशन हो, ताकि आगे बच्चे कर सकें। आगे क्या कहेंगे बच्चे के फ्यूचर के लिए, आगे क्या क्या मतलब व्यवस्था करेंगे अपने कोचिंग में? सबसे पहले कि जितने हमारे बच्चे जो पास किए हैं लोग, मैं ऑलरेडी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ सिवान 11th और 12th, अगर जो बच्चा अगर वहाँ जा सकते हैं, आर्थिक स्थिति सही है, तो मैं वहाँ भी पूरा अच्छा से तैयारी कराऊँगा। प्लस में अगर जो बच्चा अगर हमारा आर्थिक स्थिति से कम हो तो इसके लिए मैं अच्छा यही व्यवस्था करूँगा, और टीचर को भी यहाँ पर अवेलेबल कराऊँगा, ताकि अच्छा शिक्षा दे पाए हमारा और हमारे गाँव के और हमारे समाज के जितने हो, मोहल्ला के जितने भी हो, सब लोग तरक्की में करें और प्रखंड का नाम रोशन करें। अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले मैं रितेश हूँ, केमिस्ट्री फैकल्टी सिवान, और रहने वाले सेमरी से 11th 12th ऑलरेडी पढ़ाता हूँ। आप एक एडवोकेट भी हैं, और जिस तरह से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं संस्था में, आज क्या कुछ कहेंगे आप?
सबसे बड़ी बात है कि छोटे सी जगह पर आप आकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग को बोलने का मौका भी मिला है। इसमें इनकी कड़ी मेहनत और लगन का ये सब उपलब्धि है और गार्जियन भी कोऑपरेट किया। सबसे दूसरी बात यह है कि बच्चियों के लिए 2 किलोमीटर यहाँ से हसनपुरा लगभग 2 किलोमीटर जाना पड़ता था कोचिंग के लिए, जो अब नहीं जाना पड़ता है। पिछले 4-5 साल के पूरे गांव की बच्ची, अगल बगल गांव की रजनपुरा टोला की बच्ची यहाँ आके पढ़ लेती है, घर में रह करके पढ़ रही है और अच्छा कर रही हैं। और जहाँ तक रितेश सर जो हैं टीचर, मेरी भी बच्ची अभी 10th क्लास में पढ़ रही है, होमवर्क हम देखते रहते हैं हर हफ्ते, जो छुट्टी में हम आते हैं संडे को घर, तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाते हैं। इनका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा पकड़ है और इसके साथ साथ लिटरेचर भी, इंग्लिश हिंदी में भी इनका अच्छा पकड़ है। अपने पढ़ते हुए और पढ़ा रहे हैं समय निकाल करके, क्या मैसेज देंगे आप? और अच्छा करें ताकि गांव का बच्चे का नाम रोशन हो, बच्चों का नाम रोशन हो, हमारा गांव तरक्की करे और मेहनत करें। बहुत अच्छा कार्य आपने किया है। इस एमरी में आप वार्ड नंबर 2 के प्रतिनिधि भी हैं और बच्चों को सम्मानित किया जो अव्वल आए हैं। सबसे पहले आपको बधाई हो, और इस तरह के कार्य आप आगे कैसे सोच लिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रही बात ऐसे बच्चों को सम्मानित करने की, तो शायद आपको याद होगा हम जब अपना नॉमिनेशन कराए थे उस टाइम ये बात आया था, तो हम बोले कि हम खुद पूर्व शिक्षक रह चुके हैं और शिक्षा के लिए अब बात किए थे हमसे, तो मतलब खुद हम पूर्व शिक्षक रह चुके हैं। हमारे यहाँ जो भी हमारे वार्ड में बच्चे हैं, हमारे गांव में बच्चे हैं, हमारे पंचायत में जहाँ तक होगा, जो जिस बच्चे को जहाँ जरूरत होगा उस बच्चों के लिए वहाँ तक हम पहुँचेंगे। अपने स्तर से जहाँ तक होगा उस हम करेंगे। हम शिक्षा के लिए आपसे पहले बताए थे हम जी, आपसे बातचीत जी बताए थे। तो आपको मालूम है क्या कहेंगे आपके एरिए के जो ये आपके संचालक है संस्था का, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और बच्चे भी बहुत उस पे खड़े उतरे हैं, बहुत सारों का 417-421 है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं इस संस्था के संचालक को, रितेश सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से, विगत 6 वर्षों से ये अपने संस्थान में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर से वो लोग मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई फर्स्ट, कोई सेकेंड, कोई थर्ड आ रहा, तो हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है। एक छोटे से गांव में इतने छोटे इंतजाम में ये अपना सब कुछ चला रहे हैं, पढ़ा रहे बच्चों को। आए दिन हर साल बच्चे इसमें से निकलते हैं, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद की काबिल तो वो हैं। अब रही बात 2 बच्ची हमारे गाँव में 421 नंबर और 417 नंबर, ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए भी, हमारे गांव के लिए भी और उनके गार्जियन के लिए भी, बहुत खुशी की बात है। क्या मैसेज देंगे आज उन बच्चों के लिए जो अच्छा किए हैं और अब फ्यूचर में अच्छा करेंगे? बच्चों के लिए मैसेज देंगे कि मन लगा के पढ़े, थोड़ा मेहनत करे, जो फर्स्ट आया है उससे और थोड़ा अच्छा से पढ़ो, ताकि प्रखंड में नाम रोशन करो, जिले में नाम रोशन करो। और जो बच्चे सेकेंड थर्ड आए हैं उनके लिए कहेंगे थोड़ा और मेहनत करो ताकि फर्स्ट आओ। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद जी, शुक्रिया। अच्छा लग रहा है आपके एरिया के बच्चे सब अच्छा कर रहे हैं और ये संस्था जो है आपके गांव में है, थैंक यू। क्या कहेंगे? थैंक यू। बच्चे जो किए हैं तालीम के मामले में जो अच्छे नंबर लाए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे सब लोग खुश हैं, गांव का भी नाम रोशन हो रहा है, इस कोचिंग संस्था का भी नाम हो रहा है, अपने ब्लॉक प्रखंड के लोग भी इसे जो है देखेंगे खुश। बच्चे मेरी में बच्चे जो है ये कोचिंग सेंटर अच्छा कर रहा है। ये देखा गया है जो ये रीति सर हैं, ये जो बच्चों को बहुत दिल से लगन से पढ़ाते हैं और बच्चे भी जो है जो आते हैं पढ़ते हैं, खासकर लड़कियाँ ज़्यादा मन लगा के पढ़ती हैं बच्चों के मुकाबले में, रिजल्ट भी सही आता है। तो बच्चों से भी यही उम्मीद रखी जाए कि आगे चल कर भी अच्छा जो है अपने तालीम जो है एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ें, और बच्चियों से भी है कि इनके साथ मेरी दुआ है कि आगे चल कर कि और अच्छा बने। थैंक यू।